दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना ना भूलें, जिससे कि आप हमारी आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशंस पा सकें। सुधार ग्रह नाम से ही स्पष्ट है, एक ऐसी जगह जहां पर कैदियों को सुधारने के लिए ना जाने कितने तौर तरीके अपनाए जाते हैं। आज हम अमेरिका के एक ऐसे सुधार ग्रह की बात करेंगे जिसे कैदियों को सुधारने के लिए बनाया गया। जो जगह कैदियों को नई जिंदगी देने के लिए बनाई गई, वही जगह लोगों के दर्द, खून और चीखों से भर गई और मौत ने खुलकर इस सुधार ग्रह में राज किया। ये दुनिया का सबसे पहला एक ऐसा सुधार ग्रह था जहां मौत का खेल शरेआम खेला जाता था, और आज भी इस सुधार ग्रह की दीवारों में उन मौतों को बड़े ही आसानी से महसूस किया जा सकता है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सैर कराएंगे अमेरिका के पेनिटेंशियरी स्टेट में स्थित इस सुधार ग्रह का। इस जेल का निर्माण सन 1829 में कराया गया। ये सुधार ग्रह दुनिया के कुख्यात अपराधियों को कैद करने के लिए मशहूर है। आपको बता दें कि शुरुआत में इस जेल की क्षमता लगभग 250 कैदियों को कैद करने की थी, लेकिन इसे बाद में बढ़ा दिया गया जो कि लगभग 1700 कैदियों की क्षमता वाला जेल बन गया। इस जेल में बहुत से खतरनाक कैदी भी रखे गए, लेकिन ये जेल अमेरिका के एक अपराधी अल कैपोने के लिए ज्यादा मशहूर हुआ। इस जेल की इमारत बहुत ही बुलंद है। यहाँ के परिसर में बहुत सारी इमारतों का निर्माण किया गया जो कि 5 अलग अलग सेक्शंस में बांटी गई थी। हर सेक्शन में कुछ अलग अलग कार्य किए जाते थे और अलग तरह के अपराधियों को रखा जाता था। इस जेल में अपराधियों को अलग अलग तरीके से सुधारने का कार्य किया जाता था। उन्हें कई तरह से यातनाएं दी जाती थी कि वह अपने आप बदल सकें। इस दौरान इस जेल में कई बार मौतें भी हो जाती थी। जेल के अंदर कैदियों को छोटे सेल्स में रखा जाता था जिनके दरवाजे बहुत ही मजबूत हुआ करते थे और उन्हें समय अनुसार ही भोजन और बाकी चीजें दी जाती थीं। इसके अलावा जेल के बाहरी परिसर में कैदियों को एक्सरसाइज की भी सुविधा थी, लेकिन जेल की प्रशासन की तरफ से एक नियम बनाया गया कि कोई भी दो कैदी आपस में बात नहीं कर सकते हैं। इसलिए एक समय पर दो कैदी बाहरी परिसर में नहीं छोड़े जाते थे। कैदियों को सुधारने के लिए इस जेल में बहुत सारी यातनाएं दी जाती थी जिनके बारे में जानकर आप सबकी रूह कांप उठेगी। कैदियों को उस समय की प्रचलित एक विशेष पेंसिल्वेनिया प्रणाली से यातनाएं दी जाती थी। इस प्रणाली में कई तरह के चरण होते थे और अलग अलग कैदियों को अलग अलग यातनाएं दी जाती थी, जिस दौरान आधे से ज्यादा कैदियों की मौत हो जाया करती थी। आइस बात, जैसा कि आपको सुनकर ही समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर कैदियों को रोजाना सूरज निकलने से पहले ही बर्फ के ठंडे पानी से नहलाया जाता था। उन्हें यह सख्त हिदायत दी गई थी कि जो भी कैदी बर्फ में नहीं नहाएगा उसे दूसरी सजा से गुजरना होगा। उस समय जेल के प्रशासन ने कैदियों के दिमाग में यह डाला था कि वो धरती के सबसे गंदे जीव हैं और भगवान को खुश करने की उन्हें कोशिश करनी चाहिए। अब आप खुद सोच सकते हैं कि रोजाना बर्फ के ठंडे पानी से नहाना कितना दर्दनाक हो सकता है। उसके बाद कैदियों को कपड़े के तौर पर महज एक चादर दे दी जाती थी। पागल कुर्सी, एक ऐसी कुर्सी जो कि कैदियों को सुधारने के लिए इस्तेमाल की जाती थी, लेकिन उस दौरान कैदियों को नंगा करके उस कुर्सी पर चमड़े और जंजीरों से बांध दिया जाता था और उनके कानों में सलाखों को डाल दिया जाता था। इस सजा के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं थी। कभी कभी कैदियों को हफ्तों तक इन कुर्सियों पर बिठाए रखा जाता था। इस दौरान उन्हें खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं दिया जाता था। ये सजा पेंसिल्वेनिया प्रणाली की सबसे भयानक सजा हुआ करती थी। इस सजा में सबसे ज्यादा कैदियों की मौत हुआ करती थी। इस सजा में कैदियों की जबान, नाक और कान और छाती पर लोहे की सलाखें फंसा दी जाती थीं। ये सलाखें बेहद गर्म होती थीं
और उन सलाखों को अचानक से खींच लिया जाता था। इसी दौरान कैदियों के शरीर से सबसे ज्यादा खून बहा करता था। इसके बाद कुछ कैदियों को नमक पर भी लटा दिया जाता था। इस प्रणाली में कैदियों को जेल के पुराने हिस्से में पूरे शरीर समेत सीधा जमीन में गाड़ दिया जाता था। जहां पर यह सजा दी जाती थी वहां पर जंगली चूहे और चींटियों को पाल कर रखा गया था। कैदियों की सिर्फ गर्दन ही बाहर होती थी जिन्हें जंगली चूहे नोच नोच कर खाते थे। इसके अलावा जमीन के अंदर से चींटियां अपने बिल से निकलकर शरीर का पूरा खून चूस लिया करती थी। इस जेल में कैदियों के साथ हुई इन यातनाओं में ना जाने कितने कैदियों ने अपनी जानें गंवा दी। जैसे जैसे जेल में मौत का सिलसिला चलता गया वहां पर मरे हुए कैदियों की आत्माओं ने अपना घर बना लिया और आए दिन हादसे शुरू हो गए। ये इमारत ना जाने कितनी हत्या, आत्महत्या और मौतों की गवाह है। इस जेल में कैदियों को मानसिक रूप से तड़पाया जाता था और उन्हें मौत की तरफ धीरे धीरे धकेला जाता था। इस इमारत का चौथा ब्लॉक सबसे ज्यादा भयानक है। ऐसा माना जाता है कि आप कभी भी इसकी दीवारों से अजीबोगरीब कीड़ों को निकलते देख सकते हैं। इसके अलावा आत्माओं का सबसे ज्यादा बसेरा यहीं पर मौजूद है। आज भी लोग यहाँ पर लोगों की चीखें और खून से लथपथ जमीन पर तड़पते लोगों के साये देख सकते हैं। यहाँ एक ऐसा कमरा है जहाँ पिछले 140 सालों से एक पुराना ताला लगा हुआ है जिसे आज तक कोई खोल नहीं सका। ऐसा माना जाता है कि एक बार इस ताले के बंद होने के बाद एक कारीगर ने इसे खोला था। ताला जैसे ही खुला और उसने दरवाजा खोला तो उसे एक साथ इतनी ज्यादा चीखें सुनाई दी और लोगों को जमीन पर अपने ही सिर, हाथ और पैर लेकर रेंगते हुए देखा। ऐसा भयानक नजारा देखने के बाद उसे दिल का दौरा पड़ गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इस हादसे के दौरान उसने दरवाजे को बंद करने की पूरी कोशिश की लेकिन वो ऐसा नहीं कर सका। बाद में इस दरवाजे को किसी तरह बंद कर दिया गया और आज भी वह रहस्यमय ताला इस दरवाजे पर लगा हुआ है। दोस्तों, आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर मुझे फॉलो कर सकते हैं जहां पर आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। आप अपने विचार हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हम जल्द ही आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।